नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं हर रोज मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफी सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए रोज जो वीडियोस आते हैं वो समय पर मिल सकें। आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। एक छोटा सा वीडियो है, आप लोगों ने देखा होगा आजकल जो पीडीएफ होती हैं, पीडीएफ फाइल्स जो होती हैं वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड बनाई जाती हैं। कितने भी जो बैंक्स के मेल आते हैं और जो भी आपको ऑफिशियल ईमेल्स वगैरह आते हैं, अगर उनमें पीडीएफ फाइल आती है तो आजकल उन्हें पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखा जाता है। ऐसा क्यों रखा जाता है? क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड में जो है बहुत ज़्यादा साइबर जो हैकिंग होती है, और कोई भी किसी भी डेटा को ईजिली तरीके से देख लेता है और काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट जानकारी, इसके लिए प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। मैं लेकर आया हूँ दोस्तों पीडीएफ तो नहीं, लेकिन एमएस ऑफिस की जो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप सामने तीन फाइल देख पा रहे होंगे, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल। इन फाइल्स को भी हम पासवर्ड लगा सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर के। जी हाँ दोस्तों, आपको ये सुनकर हैरानी होगी, लेकिन आज ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। किस तरीके से, मान लीजिए आपका कोई बहुत बड़ा रिसर्च का वर्क है, कोई प्रोजेक्ट है, कोई थीसिस है, कोई रिसर्च पेपर आप बना रहे हैं, कोई बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, एक्सेल में आप कोई बहुत बड़ा डेटाबेस कलेक्ट किए हुए हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन का, आप चाहते हैं ये पर्टिकुलर संबंधित जो है जिस व्यक्ति को आप भेजना चाहते हैं या जिस व्यक्ति के साथ शेयर करना चाहते हैं, सिर्फ वही इसको एक्सेस कर सके, बाकी और कोई इसको ना देख सके। आपने देखा होगा जनरली हम जब फाइल्स भेजते हैं तो कोई और एक्सेस कर लेता है, लेकिन कोई और एक्सेस नहीं कर पाएगा जब तक कि उसके पास पासवर्ड नहीं होगा। तो दोस्तों, इन तीनों फाइलों में पासवर्ड कैसे लगाया जाएगा, मैं आपको इसका लाइव डेमो यहाँ दिखाऊंगा, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। जैसे मान लीजिए दोस्तों, ये वर्ड की फाइल है, मैंने इसको ओपन की। यहाँ ओपन करने के बाद अभी इसमें कोई कंटेंट नहीं है, मैं कंटेंट के लिए छोटा सा वर्ड लिख देता हूँ, हेलो हाउ आर यू, और ये हम इसको यहाँ से सेव कर देते हैं। अब दोस्तों, आपको करना क्या है, मान लीजिए ये आपकी फाइल है, आपने फाइल बना ली है, आप यहाँ मेन्यू पर आएंगे, यहाँ आने के बाद आपको सेव एज के ऑप्शन पर जाना है, आपको सेव नहीं करना है। आप वैसे भी फर्स्ट टाइम सेव एज के ऑप्शन पर ही जाते हैं, तो आप सेव एज पर क्लिक करेंगे। सेव एज पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, ये देखिए, ये एक डायलॉग बॉक्स, ये एक विंडो ओपन होती है सेव एज, जहाँ की ये आपको बताता है कि कहाँ पर आप इसको सेव करना चाहते हैं इस फाइल को। यहाँ आप उसका नाम देते हैं, जैसे मैंने इसका नाम वर्ड ही दे दिया है। अब हमें करना क्या है, आप दोस्तों ये टूल देख पा रहे हैं, सेव बटन के पास में जो टूल्स कर आ रहा है, हमें यहाँ क्लिक करना है। टूल्स पर क्लिक करने के बाद जो दोस्तों हमें क्लिक करना है जनरल के ऑप्शन पर। आप एक बार और देखें ध्यान से, हमें जनरल के ऑप्शन पर जाना है। जनरल के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आप सबसे ऊपर देख पा रहे होंगे, यहाँ लिखा आ रहा है फाइल इनक्रिप्शन ऑप्शंस फॉर दिस डॉक्यूमेंट। यहाँ पर आपको पासवर्ड देना है, मैंने मान लीजिए यहाँ पासवर्ड दे दिया है, हेलो, मैंने पासवर्ड लिख दिया है, पासवर्ड टू ओपन। और आपको यहाँ किसी और ऑप्शन पर कुछ नहीं करना है, पासवर्ड मॉडिफाई भी नहीं, आप तो सिर्फ पासवर्ड ओपन, किस तरीके से वो होगा, किस पासवर्ड से ओपन होगा, यहाँ देने के बाद ओके कर दिया है। एक बार और रीएंटर करना पड़ेगा, तो मैंने ये हेलो को रीएंटर कर दिया है। और दोस्तों ध्यान रखें, ये पासवर्ड केस सेंसिटिव है, अगर आपने स्मॉल लेटर्स में पासवर्ड लिखा है तो ये स्मॉल लेटर में ही एक्सेप्ट करेगा, और अगर आपने जो है कैपिटल लेटर्स में लिखा है तो ये कैपिटल लेटर्स में ही इसको एक्सेप्ट करेगा। मैं यहाँ ओके कर देता हूँ, मैंने सेव कर दिया है। अब ये फाइल आपकी पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो गई है, हम इसको बंद करते हैं। नेक्स्ट टाइम देखिए आपके ही आगे यहाँ इसे ओपन करेंगे तो ये फाइल अब यहाँ ओपन नहीं होगी, ओपन होगा एक छोटा सा पॉपअप का विंडो, जिसमें कि वो आपसे पासवर्ड मांगेगा और पासवर्ड पूछेगा सबसे पहले। ये देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा गया है पासवर्ड का विंडो, एंटर पासवर्ड टू ओपन फाइल। मान लीजिए मैं यहाँ पर गलत पासवर्ड डाल देता हूँ, तो ये आपको बोल देगा यहीं पर कि आपका ये इनकरेक्ट है पासवर्ड, आप जो है सही पासवर्ड डालें और फिर इसको जो है ओपन करें। तो अब दोस्तों, ये आपकी फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, करना क्या है, आप इसको ओपन करेंगे। जो भी आपने लीगल और सही पासवर्ड का यहाँ पर यूज़ किया है, उस पासवर्ड को आपको यहाँ डालना है। जैसे हमने लिख दिया हेलो और मैंने यहाँ ओके कर दिया, अब आपकी फाइल जो है जिस फाइल पर आप काम कर रहे थे, जो भी आपकी इंपॉर्टेंट फाइल थी, वो ओपन हो गई। एज इट इज दोस्तों, मैं आपको यहाँ एक्सेल पे भी दिखा देता हूँ करके, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करूँगा, क्योंकि आप तीनों में से किसी पर भी समझ लेंगे तो तीनों में सेव एज का ऑप्शन सेम ही आता है। मान लीजिए हम यहाँ जल्दी से कुछ नंबर वगैरह लिख देते हैं, और ये आपकी कोई एक्सेल की फाइल है, ये यहाँ से आप देख सकते हैं। अब ये एक्सेल की फाइल जो है, यहाँ से आप गए सेव एज पर जाएंगे, सेव एज पर जाने के बाद आप
जहां पर नाम देते हैं इस पॉपअप विंडो में आप यहां देख पा रहे होंगे। यहां नाम देने के बाद आपको करना क्या है, आप यहां देख पा रहे होंगे ये लिखा आ रहा है टूल्स, ये देखिए सेव एस, ये आप टूल्स देख रहे होंगे। यहां टूल्स पर जाएंगे, आपको जनरल ऑप्शन पर जाना है, यहां पर आपको लिख देना है नया पासवर्ड, मान लीजिए हम लिख देते हैं, और यहां से हमने इसको ओके कर दिया है, एक बार फिर री एंटर करना पड़ेगा इस पासवर्ड को, और यहां से ओके, यहां से सेव, अब हमने इसको यस कर दिया है, और यहां से हम इसको कर देंगे क्लोज। क्लोज करने के बाद नेक्स्ट टाइम आप ओपन करेंगे, ये ओपन होने से जो है तुरंत यहां पर पासवर्ड मांगेगा, और आप सही पासवर्ड डालेंगे तो ये फाइल ओपन हो जाएगी, और गलत पासवर्ड डालेंगे तो ये फाइल ओपन नहीं होगी। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा किस तरीके से हम इन फाइल्स में जो है आसानी से इन तीनों चीज़ों में जो है पासवर्ड लगा सकते हैं। आज तक आप लोगों ने इस तरीके की कोई भी वीडियो नहीं देखी होगी कि आप इन्हें भी पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हैं, और कितने ही लोग जो ऑफिशियल्स काम करते हैं, स्टूडेंट्स जो डेस्कटॉप पीसीज पर काम करते हैं, फाइल्स को बार बार कॉपी पेस्ट करते हैं, सोचते हैं हमारी फाइल डिलीट ना हो जाए, यहाँ से वहाँ ना हो जाए, कोई हमारे डाटा को चुरा ना ले, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, फैमिली फ्रेंड्स में, कमेंट्स के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप और किस तरीके की वीडियोस आगे हमारे चैनल पर चाहते हैं आप ये भी मुझे बता सकते हैं कमेंट करके मेरे ऑफिशियल मेल पर। आप दोस्तों जो है हमें यहाँ पर देख रहे होंगे, आप ये जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ भी आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप हमें यहाँ भी फॉलो और लाइक कर सकते हैं। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, थैंक यू।